ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन डिबेट शो सीधा सवाल, और सीधा सवाल में आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ये साथ क्यों पसंद आ गया, आज क्यों हाथ और साइकिल एक साथ आ गए हैं, आज क्यों अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साइकिल के दो पहिए हैं। सवाल तमाम है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुद्दों की, तो उत्तर प्रदेश के इतने तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात की जा सकती थी, लेकिन अगर आज उत्तर प्रदेश में बात हो रही है, सरकार बनाने की बात हो रही है, तो सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने की बात हो रही है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से संजय अग्रवाल साहब हैं, समाजवादी पार्टी से गौरव जैन जी हैं, कांग्रेस से राकेश पुंडीर साहब हैं। तीनों मेहमानों से एक बार फिर सवाल करूंगा। राकेश जी, आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। मैं अगर बात करूं महिला पुलिसकर्मियों की, उत्तर प्रदेश में महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि इनकी संख्या 33% की जाए। बहुत समय पहले यह आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन ना तो यूपी सरकार की आंख खुली, ना केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में यूपी सरकार से बात करने की कोशिश की। उस वक्त क्यों नहीं आप लोग साथ आए थे जब इस सब की जरूरत थी उत्तर प्रदेश को? ये तो जब कोई मौका होता है साथ आने का नकुल जी, तभी आ जाता है। जब कोई ज्यादा मतलब जब जनता के हित की बात होगी तब आप लोग साथ नहीं आएंगे, लेकिन जब सरकार बनानी होगी, किसी की सरकार नहीं बनने दी होगी, तब आप लोग मिलकर आ जाएंगे, साथ में साइकिल और हाथ साथ आ जाएंगे। जनता के हित की बात हो रही है, मैं जनता के आज डिबेट, जनता के हित की बात पुंडीर साहब वो भी थी जब महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे थे, गृह मंत्रालय बोल रहा था महिला पुलिस में भर्ती बढ़ाओ आप लोग। नहीं, हमने बीच बीच में हम बोलते हैं की बात है, 5% तक समझ कर आ गई है, की बात करी है पहले से तो बहुत ज्यादा हुई है। जब पिछली सरकारों से तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती हुई है। बताना चाहूंगा जो डिबेट देखेंगे या देख रहे हैं, मैं एक बात और बताना चाहूंगा। जब हमारा देश आजाद हुआ, इस देश के अंदर क्या था? आज बीजेपी के लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70 साल में क्या किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम आजाद हुए, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वे बताएंगे कि जब खाने के लिए अनाज नहीं था, घूमने के लिए गाड़ी बैलगाड़ी कुछ भी नहीं था। आप ये देखिए मोटरसाइकिल कार आपने आज हर घर में इतना है, ये सब कांग्रेस ने तो किया। 40 साल हो गए, आप ये बताओ क्या? और जो आज ये बात करते हैं कांग्रेस ने, चलिए मुद्दे से भटक गए। देश के अंदर पहला प्रधानमंत्री ऐसा है। एक मिनट रुकिए, देश के अंदर पहला प्रधानमंत्री, एक मिनट रुकिए। समाजवादी पार्टी से सीधा सवाल, गौरव जी आपसे सीधा सवाल है। आप ये बताइए, जब गृह मंत्रालय ने कहा था कि 33% महिला कांस्टेबल्स होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, तो क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्यों अभी तक उससे 5% तक सीमित है? देखिए नकुल जी, आपकी बात ठीक है, महिलाओं का योगदान हर चीज में होना चाहिए, और समाजवादी सरकार ने पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा भर्तियां महिलाओं की गई हैं। सिर्फ 5% और उस तरफ व्यवस्था, अरे संजय जी सुन लीजिए, अभी आपसे भी सवाल मैं करूंगा। और जितनी भर्तियां इस सरकार ने की है, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं की है, और आगे भी जनता दोबारा मौका देगी और हम इस चीज को सत्यापित करके लाएंगे और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भर्तियां करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और बहुत देर से परेशान है, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, 1 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दिए जाने का वादा मोदी जी ने किया था, पहले तो उस वादे का क्या हुआ? 1 करोड़ लोगों, दूसरी बात, काला धन 100 दिन में लाने की बात की गई थी, 200 दिन हो गए, वो कहां है? कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा क्यों ना ये बात मान ली जाए? इतने बड़े जन समर्थन के बाद भी आपने जनता को धोखा दे दिया। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश के अपराधों की बात कर रहा हूँ। सबसे बढ़िया रिजल्ट उत्तर प्रदेश से आया था भाई, सरकार की एक नाकामी नहीं है गौरव जी, नाकामी कहीं नहीं है। देखिए संजय जी, विकास की बात मैं करूँ, नकुल जी एक सेकंड आपकी, गौरव जी सुनिए, सबसे पहले अगर मैं उसी वक्त उसी दौर में चला जाऊँ, मुजफ्फरनगर दंगों के दौर में, उस वक्त दौर ये था, मुजफ्फरनगर में दंगे थे, लोग ठंड में कराह रहे थे, तंबू में सो रहे थे, लेकिन अखिलेश सरकार उसी वक्त सैफई में डीजे की धुन पर गरम 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 वो हीटर लगाए हुए थे वहां पर, और सलमान खान का डांस देख रहे थे आप लोग। देखिए मैं इस बात का आपका जवाब जरूर देना चाहूंगा। हम लोग जेल में, देखिए फर्जी नाम दंगे का समय, संजय जी सुन लीजिए, आपको तो दंगे की बात आती है ऊर्जान्वित हो जाते हैं, दंगे की बात आते ही आप लोग ऊर्जान्वित हो जाते हैं, पता नहीं इतना प्रेम क्यों दंगे जैसे शब्दों से। आप सुन लीजिए, आप बात आप सुन लीजिए, आपके ही दो विधायक उस दंगे को कराने में जेल गए थे, उस दंगे को कराने में आप ही के लोग आरोपी थे और जेल गए थे। आप सुनिए बात, जो सवाल नकुल जी आपने किया है, उस सवाल का आपको बता दूं कि आपसे पहले जब कभी भी इस तरह का, चाहे गुजरात का मामला हो चाहे कहीं और का, इतनी जल्दी किसी सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया, इस तरह के रिजल्ट नहीं दिए। हमारी सरकार ने संवेदनाएं दिखाते हुए पहले तो बहुत तेजी से यहां पर मिलिट्री भेज दी, दंगे को रोकने का काम किया। दूसरी बात, तमाम लोगों के लिए मुआवजे की, नौकरियों की,
घरों की तमाम चीजों की व्यवस्थाएं शीघ्र अतिशीघ्र की गई। मुझे एक मैं पूरी कर लू बात, मैं अपनी बात पूरी कर लू। आप देश के अंदर नकुल जी, मैं आप लोग जश्न मना रहे थे, नहीं कोई जश्न नहीं था। मैं आपको एक बात बता दूं नकुल जी, आपको जिस चीज की रिपोर्टिंग की है बता रहा हूँ जी, मैं रिपोर्टिंग की है। आप मुझे बोलने का मौका देंगे, आप अगर बोलने का मौका दे, हाँ मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप बोलने का चुप रहिए, बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात को नहीं मानने देते। देखिए आप जो बात कर रहे हैं, आपको सैफे के जश्न की दिक्कत है, लेकिन आप जो चाहते हैं जहां कोई घटना हुई है उस पर सरकार की क्या संवेदनाएं हैं, सरकार का उसमें क्या एक्शन है, मुख्यमंत्री ने उन लोगों को क्या रिलीफ दिया, आप उस बारे में बात कीजिए। कोई व्यक्ति कहीं कुछ कर रहा है, लेकिन जहां पर मौके पर घटना थी वहां रिलीफ दिया गया है, उन लोगों को आराम पहुंचाया गया है, उन लोगों के भविष्य को तय किया गया है। और देखिए मैं एक बात और बताऊं, जो दंगे के आरोपी थे संजय जी, जो दंगे के आरोपी थे दो विधायक, भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक, उन दोनों को भी जेल भेजने का सरकार ने किया है। और अगर इस तरह का प्रयास उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दोबारा करेगा तो समाजवादी सरकार उन्हें सजा देने से पीछे, कार्रवाई करने से पीछे नहीं है। 2012 में उत्तर प्रदेश में 227 दंगे होते हैं, 2013 में 247 दंगे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, 2014 में 242 होते हैं, ये सब क्या था? ये बीजेपी के लोग विपक्ष में बैठने में इन लोगों को परेशानी होती है, ये इनके इन सरकारें इन प्रयास करते रहते हैं। आरोप नहीं लगा सकते इस वक्त, आप कह रहे हैं सांप्रदायिकता, भैया ये लोग पूरी पूरी कोशिश करते हैं। आपकी थी, मुझे आप बताइए, आप मुझे बताइए नकुल जी, इन्हीं के एक विधायक ने कुछ दिनों पहले एक क्लिप दोबारा शेयर कर दी, क्या चाहते हैं, टारगेट क्या है, आप पूछिए। इसी तरह अरे की अखबार में आया, मुकदमा दर्ज हुआ है आपके सरदला के प्रत्याशी के ऊपर, मुकदमा दर्ज हुआ है आचार संहिता उल्लंघन का, आप पता कीजिए क्यों हुआ नकुल जी। दरअसल ये लोग देखिए नकुल जी, बात क्या है, आप जो बात कह रहे हैं मैं आपको बहुत सूक्ष्म उसका जवाब दे दूं, बहुत कम है, बहुत कुछ संजय जी मैंने कहने दीजिए अपनी बात, आप उसके बाद जवाब दीजिएगा, आप बात सुन लीजिए। हाईकोर्ट ने कहा निराशु गलत लगी है, अरे भैया देना चाहिए, अरे भैया आपके आपके विधायक ने क्लिपिंग शेयर नहीं की थी क्या, बताइए आप, नहीं की थी शेयर, नहीं की थी, अरे सबूत है साहब, सबूत, खुलेआम चैनल पर आप झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम चैनल पर झूठ बोल रहे हैं आप लोग, झूठ बोल रहे हैं। हाँ ये बात मैं सुन रहा था, एक मिनट चुप हो जाइए संजय जी, अमर सिंह मेरे कांग्रेस बटेर हाथ नहीं आई शायद, राकेश पुंडीर साहब आपसे पूछ रहा हूं मैं, 2012 में मैंने अभी दंगों का जिक्र किया और ये भी बताया कि कितने हुए कितने नहीं हुए, 2012 2013 2014 की मैं बात कर रहा हूं। इतने दिनों तक कांग्रेस को ये नहीं लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में हमें समाजवादी सरकार के साथ साथ कर लेना चाहिए, दंगों को रोकना चाहिए, क्राइम को रोकना चाहिए, अगर आप मौका नहीं देंगे बोलने का तो मैं अपनी बात कैसे रखता, 2013 में दंगा हुआ, दंगे के तुरंत बाद पहली रात को मिलिट्री भेज दी गई, दंगे को रोकने काम नहीं किया, ये और क्या काम किया है भैया, आप देखिए हरियाणा में नकुल जी, हरियाणा में 25-30 प्रदेश की बात कर रहा हूँ, प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, अभी कांग्रेस की सरकार थी, नहीं बात हरियाणा और मध्य प्रदेश की नहीं है, पार्टी और उसके नेताओं की नीयत की है नकुल जी, इनकी नीयत जनता के खिलाफ है, नकुल जी नीयत की बात हो रही है, नीयत की, प्रदेश की सीमाओं की बात नहीं हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नीयत जनता के खिलाफ है। केंद्र में भाजपा की गवर्नमेंट के होते है, हरियाणा में नंगा नाच रहा, कोई कोई रोकने का काम नहीं करेगा, यहाँ पे गोली की गई और यूपी में एक दिन के अंदर आदमी बैठी गई, आपने देखिए अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में बवाल हुआ तो आप बताइए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में बवाल हुआ, कौन जिम्मेदार है? उत्तर प्रदेश में अगर बवाल हुआ तो केंद्र ने तुरंत निर्णय लिया और जिन्होंने बवाल किया वो जेल गए, जिन्होंने बवाल किया वो जेल गए, केंद्र ने एक दिन में आर्मी भेजी और जिन्होंने उस बवाल के जिम्मेदार लोग जेल गए हैं।
आप बरगला नहीं सकते, आप बरगला रहे कुल मिलाकर, आप ये आप मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं नहीं, आपको मानना पड़ेगा। जिन्होंने दंगा कराया उस वक्त साथ नहीं आया, जिन्होंने दंगा कराया वे लोग जेल गए, जिन्होंने दंगा कराया वे लोग जेल गए। और आप ये बताइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी आज तक कोई केंद्र में गवर्नमेंट नहीं बनी जिन्होंने जिन्होंने एक दिन के अंदर ही आर्मी भेज दी। चलिए आर्मी आ गई हो यहाँ। आप लोगों सही बात है, आज सारी बीजेपी को तो साइड में बिठाया हुआ हमने, आज आप लोगों सही बात है मेरी सारी। दूसरा सवाल आपसे है माइनिंग माफिया, गौरव जी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। माइनिंग माफिया के खिलाफ एकदम से नरम पड़ गए, दुर्गा शक्ति नागपाल थी एक अधिकारी थी, बहुत अच्छे से कार्रवाई कर रही थी वो, लेकिन एकदम से सरकार नरम पड़ गई, दुर्गा शक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर दी, माइनिंग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। कैसे जहाँ कोई ट्रोली या कोई कोई रेत वगैरह कहीं तरह का मिल जाता है उसे प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है। नहीं था, आपने कह दिया माल्य नहीं था। आईजी अमिताभ ठाकुर के मुद्दे के बारे में बताइए, आईजी अमिताभ ठाकुर के मुद्दे के बारे में बताइए। ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, मुलायम सिंह यादव धमकी देते खुलेआम कथित तौर पर, जो वीडियो आया था सामने, क्यों नहीं हुआ उस मामले में कुछ? आईजी अमिताभ ठाकुर तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहे थे, आज चुनाव लड़ने की ओर अग्रसर है। महोदय कैसी बात कर रहे हैं? देखिए मैं एक बात कहता हूँ, आप ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में एक बात पूछना चाहता हूँ, ये लगातार ये बार बार पिता के सम्मान की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के थे, मैंने मान लिया। सुनिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चुप हो जाइए एक मिनट गौरव जी। मैंने मान लिया अमिताभ ठाकुर बीजेपी के आदमी थे, उसके उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन ये बताइए शाहजहांपुर में जगेंद्र पत्रकार जिसकी हत्या की गई थी, जिसे जिंदा जलाया गया था, वो किसका आदमी था? मैं उस मामले में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कार्रवाई कार्रवाई जो सच्चाई है बल्कि मंत्री पर आरोप लगा। देखिए अगर कहीं देखिए ये केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर कहीं ऐसा कुछ है तो सीबीआई जांच कराए, पर्दाफाश क्यों नहीं करते ये लोग? क्यों चुप? सीबीआई जांच कौन करवाएगा? सरकार हो, केंद्र सरकार है। देखिए मैं एक बात बताऊं, देखिए नकुल जी मैं बताऊं आपको सच्चाई की क्या बात है। ये बार बार पिता और पुत्र की जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे तो कुछ है नहीं, वो इस तलाश में थे कि समाजवादी परिवार में कुछ डिस्प्यूट है, इनमें लड़ाई होगी, कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी, इनके हाथ बटेर लग जाएगी, उसमें असफल हो गए। और ऊपर से जनता को मेल पसंद है, राहुल और अखिलेश पसंद है, उस चीज से विचलित है। आज इन लोगों को पता चल गया कि यूपी से इनका सूपड़ा साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर बात बताने जा रहा हूं नकुल जी, भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के अंदर टिकट लेने का एक ही नियम है, जागी या बागी। इन्होंने दागी और बागियों को टिकट दिया है, जनता इसको चुनाव में जवाब देगी। सुनिए सुनिए संजय जी एक मिनट रुकिए। गौरव जी आपने कहा सीबीआई इंक्वायरी करवा लीजिए, सीबीआई इंक्वायरी जब यादव सिंह के खिलाफ बैठती है, इतने करोड़ों का भ्रष्टाचार होता है, तो अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है सरकार। क्या आप सीबीआई इंक्वायरी की आप लोग बात कर रहे हैं? जब कोई चीजें साबित होंगी क्या बात कर रहे हैं? जब कोई चीजें साबित होंगी तो उस बारे में चर्चा भी जरूर करेंगे। कानून है, कानून अपना काम कर रहा है और मुस्तैदी से करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन नकुल जी आप ये चीज देखिए, एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए कोई कोई नहीं बचा रहा है। आप देखिए आप मुद्दों से भटक रहे हैं नकुल जी, आप मुद्दों से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार। अब नकुल जी आप पार्टी विशेष के प्रतिनिधि बनकर मुझसे बात करेंगे तो मैं कहां जवाब आपको दे पाऊंगा? देखिए मैं आप मुद्दों से भटक रहे हैं। देखिए देखिए चर्चा की सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ चर्चा के लिए बहुत सारी बातें हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, आप पॉइंट और पॉइंट चर्चा कर लीजिए। आपके चाचा ने लूटा, आपके लूटा। अरे आप तो व्यापक घोटाले का पहले जवाब दे दो, नोटबंदी का जवाब दे दो। आप लगा हमने नोटबंदी का आतंकवाद रोक दिया, 100 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं नोटबंदी के बाद, कौन है उनका जिम्मेदार? लाइनों में लग के 100 से ज्यादा गरीब मर गए, कौन है उनका जिम्मेदार? आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। धोखा किया आपने देश की जनता के साथ, धोखा किया आपने प्रदेश की जनता के साथ। मूक दर्शक बने बैठे हैं आपके सांसद, तमाम तरह के इल्जाम आपके सांसदों पर लग रहे हैं, दागी और बागियों को टिकट दे रहे हैं आप। अरे आप लोग दागी तो असफल नेताओं के दंडों को टिकट दे रहे हैं। अमर सिंह कौन है ये लोग? अरे अडवाणी जी बताइए पहले उनकी भूमिका क्या है आपकी पार्टी में? आप अपने बुजुर्गों को देख नहीं रहे, घर बैठा दिया आपने, फ्लैक्सों पे से भी फोटो हट गया अडवाणी जी का। अपनी पार्टी की तरफ देखिए संजय जी, चुनाव लड़ेंगे हम अपने बड़ों का सम्मान करना जानते हैं, किया है और करेंगे। आप अपने पिता की इज्जत नहीं करते जिनके पास कुछ नहीं उनके पास सो रहे आप करते रहिए, कोई नहीं मानेगा। आपके पिता चुनाव पर आपको जवाब जनता दे। चलिए हम उत्तर प्रदेश के और मुद्दों पर बात कर लेते हैं। संजय जी रुक जाइए, तारीफ करते हैं हम और उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर बात कर लेते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुद्दे और बहुत सारे हैं जिन पर बात करनी है, सिर्फ सांप्रदायिकता ही नहीं है हमारे सामने।
अब एक और मुद्दा आता है गौरव जी, आपके पास ही आऊंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों आज मिले हैं तो सवाल उठने लाजमी है। सवाल आपके प्रेम का धन्यवाद। हाँ, अब एक और सवाल है, अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव एक पार्टी सुप्रीमो 2012 से लेकर 2015 तक पब्लिकली डांटते रहे, पब्लिकली बताते रहे अखिलेश ये मत करो, अखिलेश वो मत करो, अखिलेश ऐसा करोगे तो वैसा होगा, अखिलेश वैसा करोगे तो वैसा होगा, लेकिन अचानक से आखिरी में आकर सब कुछ पलट जाता है, मुलायम सिंह यादव को एक तरफ कर दिया जाता है, क्या था ये सब? इसने देख लीजिए आज का जो अखिलेश, संजय जी सवाल मुझसे हुआ है मुझे जवाब देना, आप अपनी बात मत कीजिए, आप अपनी बात मत कीजिए, जनता त्रस्त है आप लोगों से। अब नकुल जी या तो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो आप पहले इनका जवाब ले लो, मैं फिर जवाब दे दूंगा, आप पहले इनका जवाब ले लो सारे। मैं जिससे सवाल पूछ रहा हूँ कृपया वही जवाब दे प्लीज। संजय जी खामोश हो जाइए। कांग्रेस राकेश जी आप बताइए, जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, एक युवा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला था, लेकिन उसी दिन अखिलेश की जीत के जश्न में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुंडई मचाई थी, कई थाने फूंक दिए गए थे, आज आप लोग बात कर रहे हैं साथ मिलकर दोबारा अखिलेश को लाने की, दोबारा गठबंधन को लाने की, क्या दोबारा वही होने वाला 2017 में? ये तो बहुत दुगनी जीत हो जाएगी, यहाँ तो राहुल गांधी भी जीतेंगे और अखिलेश यादव भी जीतेंगे, पता नहीं क्या होगा प्रदेश। अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो एक मिनट आप भी चुप। बिल्कुल आप बोलिए, आप बोलिए। मेरा तो मानना, फिर मैं वही लौट कर रहा हूँ, विकास किया है अखिलेश यादव जी ने, बहुत ही विकास किया है ना, विकास, और जो आदमी विकास पर चर्चा नहीं चाहते आप, मैं विकास पर चर्चा चाहता हूँ, किया है किया है, स्वीकार कीजिए, जनता स्वीकार कर रही है, आज की जनता विकास कर रही है, आज की जनता विकास कर रही है, अगर आप कहें तो मैं विकास पर कुछ चर्चा करूँ, इतना विकास बताइए ना, और राहुल गांधी राहुल गांधी किसानों को क्यों 2017 में अखिलेश जी दोबारा आ रहे हैं, 2019 में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और दोनों का मना रहे हैं केंद्र में, आपको नकार दिया जनता ने चुनाव में, संजय जी और ज्यादा विकास होगा, मैं आपको फिर बता रहा भैया, तो संजय जी 27 साल यूपी बिहार के साथ आपने निपटने वाले हैं, आप लोग कैसे निपटेंगे संजय जी? अरे जनता निपटेगी भैया जी, इनसे इन्होंने देश को लूटने का काम किया, केंद्र से आपको हटा दिया गया है, इसलिए आज आपके सांसद नहीं बचे, उत्तर प्रदेश में सिर्फ माता और पुत्र बचे हैं, समाजवादी पार्टी पे सिर्फ परिवार के 5 लोग बचे हैं, जनता ने आपकी लूट को देख लिया है, शिवपाल यादव जी अमर सिंह जी को मैं बताता हूँ जनता ने क्या क्या देखा है, अभी बताता हूँ, हम लोग आने वाले हैं और ये सब लोग जेल जाएंगे, नकुल जी एक मिनट का मौका मुझे भी दीजिएगा, मैं कुछ बताना चाहता हूं, 11 मार्च में पता चलेगा आजम खान कौन कितने कहां है, कौन बचा, कौन कहां गया, 11 मार्च में आप लोग 11 मार्च में आजम खान ने कराया, 11 मार्च में आजम खान जेल जाएंगे और उसी वैन में जाएंगे जिस वैन में हमारे चलिए एक मिनट का मौका नकुल जी मैं भी चाहूंगा, मैं आपने विकास की, आपने बहुत अच्छी बात की, हमारे भाजपा के साथी तो रुकने नहीं चाहते, आपने बहुत अच्छी बात की विकास की, देखिए समग्र लोहिया ग्राम विकास योजना के माध्यम से तमाम गांवों के अंदर 1-1 करोड़ रुपया विकास के लिए लगा है, नल के, लाइट के, सड़के, तमाम गांवों को संपर्क मार्गों को बनाकर मुख्य धारा से जोड़ दिया गया, सुन लीजिए आप उसके बदले अपनी भी बात बता लीजिएगा, किसान ने माफी दी ओलावृष्टि में किसानों, अभी पता है क्या होगा, मैं बताता हूँ ना अभी क्या होगा, अभी सुनिए अभी क्या होगा, गौरव जी अभी पता क्या होने वाला, सुनिए गौरव जी सुनिए, घोषणा कर दी अभी किसी किसान को खाद की जनता 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 हमें देख रही है, जनता दिया जाएगा, जनता इस बात को जानती है, जनता इस बात को जानती है, ₹1,000 जनता इस बात को जानती है, अगर एक पार्टी से पूछेंगे तो वो अपनी योजनाओं का बखान करेंगे, दूसरी से पूछेंगे वो अपनी योजनाओं का बखान करेंगे, लेकिन जब मुद्दे की बात हो रही है तो कोई भी सामने नहीं आएगा, अखिलेश यादव जी किया है तो हम बता रहे हैं, चलिए तीनों किया चलिए तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, पुंडीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ आए और इस डिबेट का हिस्सा बने, लेकिन सवाल है कि जब विकास की बात आती है तो आपको सवालों का भी सामना करना पड़ा होगा, आपको सवालों का भी सामना करना पड़ेगा, आपको नाकामियों का भी सामना करना पड़ेगा, उनका जवाब भी देना होगा, लेकिन हालत यह है कि राजनीतिक प्रतिनिधि जो टीवी स्टूडियो में आते हैं वो सिर्फ बातों को घुमाकर विकास पर पहुंच जाते हैं, उसका ढोल पीटना शुरू कर देते हैं, उन तमाम मुद्दों की बात नहीं करते जिन मुद्दों को लेकर हम अक्सर बैठते हैं, लेकिन फिलहाल फैसला जनता के हाथ में है। आज सीधा सवाल में मेरे साथ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार टुडे।